हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे कि हमारा इथाइल एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ट्राई इथाइलिन हो गया, बेंजल डिहाइड हो गया। इन सब के आज हम स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जो हमारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, केवल हमने उसी का ही वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर जो हमारे 21 इम्पॉर्टेंट ईयर है, वहाँ पर एक सी कार्बन एटम है, उसके साथ हमारे क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं एंड 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का अटैच्ड है। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ओके, ट्राई क्लोरोइथिलीन है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ हमारा एच एक लग जाएगा और सी एल थ्री, यानी सी एल जो है वो 3 टाइम्स कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। एंड इसी तरह यहाँ पर हमने ग्लिसराल का स्ट्रक्चर दिया है एंड पैरेलल प्रोफाइल ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। एंड जो 5th नंबर स्ट्रक्चर है वो हेक्सामीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। हेक्सामीन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को 2 मार्क्स में केवल स्ट्रक्चर ही बनाने को आता है, तो उसे एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। एंड हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा 6th नंबर स्ट्रक्चर है, बेंजाइल डिहाइड, यानी बेंजाइल डिहाइड जो हमारा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बेंजाइल डिहाइड है, एक बेंजीन रिंग है, उससे हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप यानी सी एच ओ अटैच्ड है। तो ये हमारा बेंजाइल डिहाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी 6 स्ट्रक्चर के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर जो हमारा 7 है, यानी जो कि है वेनिलीन। वेनिलीन जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर AK2 के एग्जाम में आता ही आता है बनाने को। तो यहाँ पर हमने बॉन्ड नहीं लगाया, इसको बॉन्ड लगा लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर जो हमारा 8th नंबर स्ट्रक्चर है वो सिनेमलडिहाइड का स्ट्रक्चर है। सिनेमलडिहाइड भी बहुत इम्पॉर्टेंट, सिनेमलडिहाइड हो गया, वेनिलीन हो गया एंड एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, A4 जो है और हमारा एग्जामिन है A5 एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको एक बार रिविजन करके एग्ज़ाम में जाना। एंड यहाँ पर जो हमारा 9th नंबर स्ट्रक्चर है वो पायरलडिहाइड है। यहाँ पर जो हमारा बेंजीन रिंग है उसमें हमारा 3 कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है एंड जो हमारे मिथिल ग्रुप हैं CH3 वो हमारे यहाँ पर 3 टाइम्स अटैच्ड हैं। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 10 है वो हमारा एस्टिक एसिड का है, जिसका सिंपल फार्मूला हमारा CH3COOH होता है। एंड जो यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 11 है वो यहाँ पर हमारा सिट्रिक एसिड का है। स्ट्रक्चर नंबर जो हमारा 12 है टार्ट्रिक एसिड का है। आप लोग एक बार इसे रफ पे ज़रूर बना लेना, इसको एक दो बार बना कर देख लेना। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है स्ट्रक्चर, इजी है, बस आप लोग बना लीजिएगा एक बार। जो यहाँ पर हमारा 13 नंबर स्ट्रक्चर सैक्सिनिक एसिड का है एंड जो हमारा 14 नंबर स्ट्रक्चर है ऑक्जेलिक एसिड का है, जहाँ पर सी के डबल कार्बन सी से हमारे जो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ओ अटैच्ड है, एक डबल बॉन्ड ओ इधर अटैच्ड है, ओ एच यहाँ पर अटैच्ड है, एक यहाँ पर ओ एच अटैच्ड है। ये हमारा जो है कुछ ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हमारा 16 नंबर स्ट्रक्चर है वो बेंजोइक एसिड का है, जो कि बेंजीन रिंग से हमारा ओइक ग्रुप यानी COOH अटैच्ड है। ये हमारा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। एंड जो यहाँ पर 17 नंबर स्ट्रक्चर है वो हमारा बेंजाइल बेंजोएट का है, यानी जो हमारे बेंजीन है और उसकी डबल रिंग अटैच्ड है उसके साथ, फिर यहाँ पर एक डबल ओ, फिर उसके साथ बॉन्ड में अटैच्ड है डबल ओ अटैच्ड है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम 18 नंबर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मिथाइल सैलिसिलेट एंड 19 नंबर स्ट्रक्चर है एथाइल सैलिसिलिक एसिड एंड जो हमारा जो 19 नंबर है वो हमारा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। जो यहाँ पर हमारा
20 नंबर स्ट्रक्चर है वो इथेनॉल एमीन का है, एंड जो यहाँ पर हमारा 21 नंबर स्ट्रक्चर है वो हमारा एम्फेटामिन का। एम्फेटामिन का वहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम सिंपली बता दे रहे हैं जो एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर वो हमारा जैसे एक बेंजीन रिंग हो गई, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसके साथ दूसरी बेंजीन रिंग आधी अटैच है। फिर यहाँ पर एक हमारा फंक्शनल ग्रुप मिथाइल का लगा है CH3। फिर यहाँ पर हमारा एक ग्रुप NH2 का लगा है, फिर इसमें आप लोगों को बाउंडिंग कर देना, ये हमारा हो गया एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर। आई होप कि आप लोगों को इसमें स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। हाँ, एग्जाम देने से पहले आप लोग एक दो बार इसको ड्रा करके जरूर देख लेना।